हजरत काले सैयद सरकार का उर्स हुआ संपन्न। जी हम आपको बता दें, उज्जैन के तोपखाना स्थित मजार हजरत काले सैयद सरकार का हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से उर्स मनाया गया। यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, यहाँ सभी दरबार में हाजिरी देने आते हैं। यहाँ जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। तोपखाना क्षेत्र के साथ साथ दूर से लोग आते हैं और अपनी मुराद पूरी होने पर शुक्रिया अदा करते हैं। आयोजक बाबर खान ने जानकारी देते हुए बताया कि शाम को संदल के बाद फातिया होनी है, वहीं उनके बाद मेहमानों को साफा बांधकर सम्मान किया जाएगा, फिर दुआओं के लिए हाथ उठाए जाएंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 35 साल से भी अधिक समय से यह उर्स मनाया जाता है, जिसमें सभी धर्मों के लोग यहां आते हैं और साथ में लंगर खाते हैं। इस मौके पर आज मंगल खान, पप्पू पहलवान, अशोक सारवान, असलम लाला, विनोद लाला, शहीद खान मंसूरी, बाबू लाल वघेला, आसिफ नागौरी, सलीम भाई कबाड़ी, अशरफ पठान, अखलाक भाई आदि मौजूद रहे। उज्जैन से इरफान अंसारी की रिपोर्ट। ये तो बाबा साहब के यहाँ पर मैं बच्चों से आ रहा हूँ और बाबा के परिवार से मेरे इतने ताल्लुकात हैं कि वो जब पैदा भी नहीं हुए थे तो पठान साहब वगैरह से मेरे ताल्लुकात हैं। बाबा साहब के उर्स से आता हूँ और मैं मन चैन की दुआ करता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी में एकता भाईचारा बना रहे। परिचय, मैं अशोक सारवान, मैं तो बाबा साहब के अंदर मुरीद और खादिम हूँ इन लोगों का। अब इनसे क्या हूँ, इनके लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह ताला ये जो बाबा साहब यहाँ सुपुर्दे खाक हैं, अल्लाह इन्हें जन्नत अता करना और इनके तुफेल में हमारे जो भी बिगड़े काम हैं वो बनाना और अमन चैन बनाए रखना। बस तो खाने में हम ये उर्स हजरत काले सैयद साहब सरकार का उर्स हम कई सालों से मना रहे हैं और इस उर्स के मौके पर हम गरीब मासूम बच्चों को के लिए भोजन वितरण करते हैं और इसमें हम शहर के कई लोग इसमें जैसे बीजेपी नेता विनोद लाला जी, अशोक जी, अशोक सारवन जी और कई बड़े हस्तियाँ हमने उन सब हस्तियों का सम्मान भी किया और पूरे देश के यहाँ पर हमने लंगर का आयोजन किया और देश में अमन शांति चैन बने रहे इसके लिए हमने दुआई की।